तो यार एक नई वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, तो वो आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि हम किस हवाले से ये वीडियो बना रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आईफोन 13 एंड 13 प्रो मैक्स रिलीज़ होने वाले हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या क्या डिफरेंसेस, क्या क्या फीचर्स डिफरेंस, मॉडल डिफरेंस और कोई नई चेंज आ रही है या नहीं आ रही सेल फोन में। तो भाई इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर देना। तो यार चलते हैं, सबसे पहले इसके मॉडल चेक करते हैं भाई कैसा दिखता है और कैसा दिखेगा, जो कि कुछ चीज़ें रिवील होने के बाद हमें पता चली हैं कि भाई आईफोन 13 प्रो एंड 13 प्रो मैक्स कैसा होगा। तो चलते हैं, मैंने पिक्चर पहले से निकाल दी थी तो चलते हैं पिक्चर देखते हैं। तो यार ये है कुछ, इसको विज़िट करते हैं। तो कुछ इसी इस तरह देखेंगे आईफोन 13 एंड 13 प्रो मैक्स जो भी हैं, मतलब कि मुख्तलिफ वेरिएंट्स आएंगे इसमें, तो वो भाई कैसे दिखेंगे। तो कुछ इस तरह से दिखते हैं। जी हाँ, तो कुछ इस तरह से दिखते हैं। इसमें भाई मुख्तलिफ वेरिएंट्स आए हैं भाई आईफोन 13, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स। तो साइज़ डिफरेंस हों, मतलब कि इनकी आपस में प्रो प्रो मैक्सेस के साइज़ डिफरेंस होंगे, ठीक है, और सिर्फ जो 13 होगा इनके आपस में साइज़ डिफरेंस होंगे। और ओवरऑल जो अगर हम देखते हैं लुक की तरफ, तो इनके लुक में और आईफोन 12 के लुक में, 12 प्रो मैक्स, 12 प्रो, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इस बार इन्होंने जो डिफरेंस किया है, मैं कह सकता हूँ कि ये स्कैम किया है इन्होंने। तो क्या स्कैम किया है ये? एक तो इन्होंने सैमसंग की कॉपी की है कि भाई कैमरा को पीछे से निकाला है थोड़ा बड़ा करके। दूसरा ये है कि इन्होंने जो प्रो वर्जन में जो मोबाइल हैं उनके सिर्फ कैमरा को डायगनल में रखा है, बाकी ओवरऑल इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है जो हम नई चीज़ देखने को मिली है हमें। तो इस बार हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है एप्पल वालों की तरफ से। और दूसरी कोई चेंज देखा जाए तो इसका फ्रंट से हम चेक कर सकते हैं कि भाई फ्रंट से इन्होंने नॉच को थोड़ा जो है ना कम कर दिया है, और नॉच में आपको चेंज मिलेंगे। एक तो ये है कि ऊपर वाला जो बॉर्डर नहीं होता, बॉर्डर लाइन पे उन्होंने माइक और जो स्पीकर एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो उन्होंने उस बॉर्डर लाइन पे रखा हुआ है, और उसके नीचे सेंसर दिए हुए हैं और नॉच को थोड़ा कम कर दिया, छोटा कर दिया। तो ये चीज़ें देखने को मिली हैं। ओवरऑल तो कोई नई चेंज इन्होंने नहीं डाली है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भाई कैमरा वेरिएंट और इसकी रनिंग फीचर्स जो हैं, मतलब कि ये जो रनिंग प्रोसेसेस और ये रिफ़्रेश रेट, ये इन्होंने थोड़ा बढ़ा दिया है, और वो भी सिर्फ 13 प्रो मैक्स में ही बढ़ा दिया है कि भाई 120 हर्ट्ज़ तक का रिफ़्रेश रेट इन्होंने दिया है सिर्फ प्रो मैक्स में, 13 प्रो मैक्स में। ओवरऑल कोई चेंजिंग नहीं है, कोई भी जो हम कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल ही चेंज हो गया है ये सेल फ़ोन हमारे लिए। तो मेरी तरफ से तो ये कमेंट्स हैं कि 13 प्रो मैक्स एक बहुत ही बड़ा स्कैम होने वाला है लोगों के साथ, और दूसरा ये है कि भाई कोई नई चेंज नहीं दी इन्होंने कि भाई बंदा कहे कि ओवरऑल ही 12 प्रो मैक्स के मुकाबले में 13 प्रो मैक्स को, या 13 प्रो या 12 प्रो को जो है ना 13 अलग रखा गया है। हालांकि बहुत से ज़्यादा चीज़ें लुक और अगर अंदर से कोई फीचर्स देखे जाएँ तो सेम ही है, कोई नई चेंज नहीं लाई इन्होंने। तो ओवरऑल मेरे कमेंट्स यही हैं कि भाई 13 प्रो मैक्स ख़रीदना एक वेस्ट ऑफ मनी है, और वेस्ट ऑफ मनी भी नहीं कह सकते क्योंकि 12 प्रो मैक्स के प्राइस में ही 13 प्रो मैक्स की प्राइस होगी, प्राइस टैग कोई डिफरेंस नहीं होगी प्राइस टैग की, तो ओवरऑल सेम प्राइसेस में आएंगी। बाकी ये है कि आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि भाई आपको क्या लगता है कि कोई
चेंज होगी या नहीं होगी, लेकिन रिवील से ये पता चला है कि भाई कोई चेंजिंग नहीं है। 3D मॉडल क्योंकि इन्होंने रिवील कर दिया है, वो इसलिए कर दिया है कि उसके केस वगैरह, उसके ग्लासेस वगैरह जो भी बनेंगे, तो इस वजह से एप्पल वाले इससे पहले मोबाइल के लॉन्च से, रिलीज डेट से पहले जो इनका 3D मॉडल कंपनीज को भेज देते हैं कि भाई इन जो है इनके कवर्स वगैरह, इनके हर चीज़ रेडी करके रखें। तो बहरहाल आप लोग कमेंट्स में बता देना कि 13 प्रो मैक्स कैसा होने वाला है। बस तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।